अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड सेवइयां डेजर्ट। ये डेजर्ट बहुत मज़ेदार बनता है। सिंपल सेवइयां तो सभी ने बनाई होंगी, हो सकता है आपने इस तरीके से पहले ट्राई ना की हो, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टर्ड सेवइयां डेजर्ट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें दूध। दूध मैंने लिया है 1 लीटर, और ये 1/2 कप दूध मैंने अलग लिया है कस्टर्ड मिक्स करने के लिए। सेवइयां मैंने ली हैं 50 ग्राम या 1 कप के बराबर। चीनी मैंने ली है 1/2 कप। कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर में लिया है 2 टेबल स्पून। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें बादाम, अखरोट और खजूर शामिल है। 1 टीस्पून बटर लिया है और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है जी। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन में जो मैंने बटर लिया वो मैं डालूँगी। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो सेवइयां ऐड करेंगे। अब सेवइयों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जब तक इनका कलर नहीं चेंज हो जाता। इनका कलर गोल्डन आना चाहिए जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेवइयों का कलर ब्राउनिश हो गया है। उसमें लगातार चम्मच चलाते जाएं ताकि इक्वली कलर ब्राउन हो। बस हमें इतना ही कलर ब्राउन चाहिए। तो अब इसे उतार लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें जो 1 लीटर दूध है वो ऐड कर देंगे। दूध में अच्छे से बॉईल आ जाए फिर इसमें सेवइयां और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जब तक कि दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम अपना कस्टर्ड मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड जो मैंने लिया था 2 टेबल स्पून, उसमें 1/2 कप मिल्क ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे जी। तो दूध में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेवइयां जो हमने भून के रखी हुई हैं। सेवइयां ऐड करके इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे, जब तक ये सेवइयां सॉफ्ट नहीं हो जाती। अच्छा, दूध मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फुल फैट मिल्क। अगर आप चाहें तो डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है जी। तो तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, सेवइयों ने दूध को सॉफ भी कर लिया है और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हम लोग चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने ली थी 1/2 कप। 1 लीटर दूध के लिए 1/2 कप चीनी परफेक्ट रहती है। अगर फिर भी आपको कम लगे तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब चीनी डिज़ोल्व होने तक इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे जी। तो चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। आप चाहें तो ऐड कर दें वरना स्किप कर दें। इलायची पाउडर ऐड करने से एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी सी आती है और इसका फ्लेवर भी डेवलप हो जाता है जी। तो अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड को हम एक ही दफ़ा पूरा ऐड नहीं करेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे पोर्शंस में। पहले थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे और चम्मच से लाते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। फ्लेम मैंने अब लो कर दी है क्योंकि कस्टर्ड ऐड करने से दूध गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे और मुसलसल चम्मच से लाते जाएंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा जी। तो कुछ देर पकाने के बाद दूध गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए स्पैचुला से, ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर आप मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, लेकिन इतना बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो अब हम इसे उतार लेंगे और उसके बाद मैं आपको गार्निश करके दिखाऊंगी जी। तो सेवइयों को मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया है। ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं और इसमें थोड़ी थिकनेस भी आ चुकी है पहले के मुकाबले में। तो अब इसे सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। जी तो अब जो मेरे पास नट्स हैं उसके साथ इसे गार्निश कर लेते हैं। जी तो मैंने इसे गार्निश भी कर लिया है। देखा आपने कितनी जल्दी से रेसिपी बन गई, और इतनी आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है।
जी, तो अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा सर्व कीजिए, फिर ये बहुत मज़े का लगता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।